खेड़ली कस्बे में पीपल वाली गली में स्थित एक सूने मकान में चोरों ने मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात घर के बाहर पड़ोसियों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें तीन लोग बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया है। मामले में पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और वहाँ पर हमारे हम गए हुए थे तो हमारे घर से ताला टूटा पाया है, हमारे घर का मेन अंदर का गेट का, और सामान चोरी हो गया है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान में के अंदर हमारे पास सोने का हार था और चांदी सोने का कंगन थे, तीन कंगन थे, तीन चूड़ी थी, दो कंगन थे, और चुटकी थी, पाजेब थी, और नथ थी, और कानों के कुंडल थे। और कुल मिलाकर कितने रुपए की चोरी हुई उससे? कम से कम 15 से 20 लाख। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुपेश खंडेल। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 14 पीपल वाली गली खेड़ली। खेड़ली क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। क्या है इसके संबंध में जानकारी? आज जो है रुपेश निवासी पीपल वाली गली खेड़ली वाला एक रिपोर्ट पेश करी है कि दो दिन से वो भरतपुर गए हुए थे किसी काम से, और उनको जब सुबह मैसेज पड़ा कि घर में चोरी हो गई तो घर में आके उन्होंने देखा तो बता रहे हैं कि सोने का हार, सोने की चूड़ी, कंगन और अन्य जो है उनके जो पैतृक आभूषण थे वो जो है कोई अज्ञात तीन व्यक्ति चोरी करके ले गए। इस संबंध में जो है प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज जो है आरोपी तलाश है तो खंगाले जा रहे हैं और शीघ्र ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पता लगा कि आरोपी किससे आए थे और क्या था? प्रथम दृष्टया जो है फुटेज, आसपास की फुटेज देखी गई है तो उनमें लग रहे हैं कि तीन व्यक्ति जो हैं वो एक मोटरसाइकिल से जो है जो घटनास्थल है उसके आसपास में जो है दिखाई दे रहे हैं।